कैसे बच्चा लोग? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास 12th कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x अपॉन sin x। ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना है इसका। तो ऊपर भी मतलब न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है हमारे पास वेरिएबल के साथ, तो फंक्शन के साथ है। तो क्या लग जाएगा इसमें? क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या था? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ईएक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ रखा है ईएक्स, और अगर मैं इसमें चेन रूल भी लगाऊं और x का डेरिवेटिव 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहां क्या आ गया? sin x माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x एंड ex as it is अपॉन sin x का होल स्क्वायर। पीछे भी हो सकता है कि आप ex कॉमन ले लें। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये cos का थीटा। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं, e टू द पावर sin इनवर्स x। e to the power sin inverse x, ठीक है। तो ex का मुझे पता है डेरिवेटिव क्या होता है, ex, और अगर मैं x का क्या करूं डेरिवेटिव d by dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट अब इस पे हमारा चेन रूल जब लगेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो पहले तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, मतलब ई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हम चेन रूल लगाएंगे। तो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट में 1 प्लस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, e टू द पावर x टू द पावर 3। ठीक है, 1 प्लस एक्स पर होता है, 1 माइनस होता है, 1 माइनस होता है। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा e टू द पावर x टू द पावर 3। फिर चेन रूल, पहले तो हमारा ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे d by dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3। अब डेरिवेटिव क्या होगा x टू द पावर 3, पावर आगे और 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पावर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 x टू द पावर। तो अब मैंने यहां 3 लिख दिया, आप यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कर लेते हैं, 3x स्क्वायर ex टू द पावर 3, बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, sin tan इनवर्स sin tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अच्छा, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो हमारा थीटा क्या है, टैन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब थीटा का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, टैन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, कॉस टैन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डॉट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पर, और आपका थीटा क्या है, थीटा मेरा है ये वाला पार्ट e टू द पावर माइनस एक्स। तो आप ये देखो e टू द पावर माइनस एक्स का क्या करना है, स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, फिर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स तभी तो करोगे अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर मैं चेन रूल लगाऊं d by dx of x, तो ये वैल्यू तो 1 ही है, कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, बट इसमें 1 नहीं है, इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, cos tan inverse e to the power minus x, ये
1 upon 1 plus e to the power minus 2x power multiply हो गया. अच्छा e to the power minus x का derivative क्या होगा? E to the power minus x और minus x का derivative क्या होता है? Minus 1. तो minus 1 होगा क्योंकि पढ़ा इसमें मतलब लगा लो चार बार chain rule लग रहा है. एक बार tan inverse e to the power minus x फिर e to the power minus e to the power minus x में फिर माइनस एक्स में क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन नहीं होता नेगेटिव वन होता है. ठीक है तो आप चेक कर सकते हैं आंसर चेक कर लेते हैं इसका इसका आंसर सही आ रहा है हमारा बिल्कुल. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं लॉग कॉस टी एक्स log cos ex. अच्छा log x का डेरिवेटिव 1 upon x. ठीक है ये उसका पूरा x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा log sorry 1 upon cos ex. अच्छा अब फिर चेन रूल पे जाएंगे dot d by dx cos ex. ठीक है 1 upon cos ex आ गया cos x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस sin x तो पहले तो मैंने यहां माइनस लगा दिया और ये हो जाएगा sin टू द पावर ex फर्दर d by dx ऑफ ex तो हमारा अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा माइनस sin ex cos ex e टू द पावर x को हम अलग से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है समझ आया फिर से देखते हैं log cos x का डेरिवेटिव 1 upon x तो ये 1 upon cos ex हो गया d by dx of cos ex cos ex cos ex का डेरिवेटिव minus sin ex यहां लगा दिया मैंने बाहर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में फिर ex का डेरिवेटिव ex और आप बोलेंगे x का डेरिवेटिव तो 1 ही अगर minus x होता तो जरूर मैं minus मान सकता. ठीक है तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर. इन्होंने क्या करा इसको tan ex लिख दिया इस वाले पार्ट को. ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा minus tan e to the power x और e to the power x. तो हम अपना देखते हैं sixth question है e to the power x काफी इजी है e to the power x plus e to the power x to the power 7 x to the power 2 है 7 2x3 अच्छा 2x so on e to the power x 5x the power ठीक है x to the power 2 and x to the power 5 सिंपल है वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं इतना 5 तक जा रहा है e to the power x का डेरिवेटिव ex e to the power x 2 e to the power x उसकी भी पावर 2 पहले तो यही होगा and 2x का डेरिवेटिव 2x अब इतना तो हम कर ही लेंगे शॉर्टकट में e सेम और x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4 खत्म हो गया. ये बहुत सिंपल था. सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं. सेवंथ क्वेश्चन हमारा रूट में e टू द पावर रूट x. हां रूट में e to the power root x यही है root में e to the power root x. अच्छा इसका derivative देखते हैं पहले तो root x का derivative होता है 1 upon 2 root x तो पहले इसका derivative करेंगे 1 upon 2 root. ठीक है पहले तो ये करेंगे पूरा root में आ गया 2 आ गया अब chain rule d by dx of e to the power root x तो same as it is 2 e to the power root x का डेरिवेटिव क्या होगा e to the power root x ही तो होगा. फर्दर चेन रूल भाई फिर लगाएंगे x होता तो मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 बट पावर क्या है root x है. ठीक है तो अल्टीमेटली यू विल गेट e root x एंड root x का क्या होगा 1 upon 2 root x.
ठीक है। सो देखते हैं, इतना हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है, तो इस पे हम पहुंचे थे। बट अगर पीछे से मैच करोगे तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, रूट एक्स भी आ रहा है ना, 1/4 आ रहा है, रूट एक्स भी आपके पास आ ही रहा है। बट पीछे देखोगे न्यूमरेटर में आ रहा है खाली रूट ई टू द पावर रूट एक्स। ऐसा क्यों? देखो यार, ये जो रूट है ना, इसकी पावर क्या मैं कर देता हूं 1/2, और ये क्या कर देता हूं 1, है ना, मतलब ये 1 है और ये हाफ पावर है। तो ये भी क्या हो जाएगा अगर मैं इसको उससे कट डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, तो 1-1/2 हो जाएगा, और 1-1/2 1/√2 ही होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, और ये भी पूरा रूट में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है पीछे, ठीक है। तो आप यहां पर भी छोड़ रहे, ठीक है, बट कट हो रहा है, देख लेना, अगर पेपर में ज्यादा मार्क्स आए तो आपको पूरा ही करके आना चाहिए। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा log log x, ये भी इजी है, log log x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो पहले तो हम नॉर्मल इसको x समझेंगे माइंड में, तो ये हो जाएगा log 1/log x, फिर चेन रूल d/dx ऑफ log x, तो 1/log x इंटू 1/x, तो योर आंसर विल बी x log x, ठीक है। अगर मैं log x का डेरिवेटिव करता हूं, अगर आप देखें, अगर log x का डेरिवेटिव होता है 1/x एंड d/dx ऑफ x, तो ये तो 1 ही बन जाएगा। तो इसको आपने x, मतलब ये इसका थीटा है, तो पहले तो थीटा को नीचे डिनोमिनेटर में log log x का डेरिवेटिव 1/log x, देन चेन रूल log x का डेरिवेटिव cos x और log x। 9th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है cos x log x, cos x upon log x। अच्छा, चेन रूल हमें पता है, सॉरी चेन रूल क्या, क्वेश्चन रूल हमें पता है, cos x का डेरिवेटिव log x as it is माइनस log x का डेरिवेटिव cos x as it is, ठीक है, ये हमने करा था, अपॉन log x का होल स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x log x, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, तो 1/x और cos x अपॉन क्या आ जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब आपको बस इसमें एलसीएम लेना, यहाँ x आ जाएगा sin x log x और ये x नीचे चला जाएगा, ठीक है, इतना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, खुद ट्राई करना एक चीज। हम लास्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है cos log x ex log x और e to the power x, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स। अच्छा, डी बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स प्लस ई एक्स, यार इजी तो ये माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स डी बाई डी एक्स, और भाई ये प्लस में है, प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, और आप चेक कर सकते हैं पीछे शायद मल्टीप्लाई आया है एलसीएम, लेकिन उन्होंने बाहर ले लिया 1/x सेम है, बट ये थीटा है लॉग एक्स प्लस ई एक्स साइन का, इसके साथ मत मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।